खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ और जिला कबड्डी संघ के संयुक्त तत्वावधान में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथजी महाराज अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ के संबंध में शुक्रवार को शास्त्री चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में पूर्व ओलंपियन एवं खेल निदेशक खेलकूद मंत्रालय उत्तर प्रदेश आरपी सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दिया। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 1 दिसंबर को खेल मंत्री चेतन चौहान के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। प्रतियोगिता का समापन और पुरस्कार वितरण 4 दिसंबर को मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ करेंगे। कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 12 टीमें इंडियन नेवी मुंबई, बीएसएनएल दिल्ली, आर्टिलरी सेंटर हैदराबाद, हरियाणा, बीएसएफ नई दिल्ली, सीआरपीएफ दिल्ली, वाराणसी उत्तर प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, बीआईजी रुड़की, आईटीबीपी दिल्ली, एसएसबी फरीदाबाद और पटना बिहार की टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। प्रेस वार्ता में मंडलीय क्रीड़ा अधिकारी ए.के. पांडे, उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पूर्व ओलंपियन एवं खेल निदेशक उत्तर प्रदेश आरपी सिंह ने कहा, ये कि करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। खेल हाँ, इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, क्योंकि प्रो कबड्डी समय चल रही है तो कुछ है इसमें टीमों में, करीब 8-10 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, तो जो जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है सबके हम आपको मेल कर देंगे और बाकी जैसी होगी हम 4 दिन पूरे टूर्नामेंट के दरमियान हम यही रहेंगे, इसी बारे आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी काफी दिन बाद 3-4 दिन। देखिए किसी भी चीज को हमारे हिसाब से जो दिख रहा है वही चर्चा में है, वही दिखता है। अगर आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगर लोगों ने नहीं देखा तो बस आप करके वही खत्म हो जाए। देखिए ये गोरखपुर में पहली बार अखिल भारतीय ब्रह्मलीन महंत परम पूज अवैधनाथ जी महाराज के नाम से ये उनके स्मृति में हो रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक करा रही है, जिसमें जो हमारे 12 जो देश की सर्वश्रेष्ठ टीमें हैं उनको आमंत्रित किया गया है, उनके दरमियान ये मैचेज खेले जाएंगे, लीग कम नॉकआउट आधार पर ये मैच खेले जाएंगे और विजेता टीम को 2 लाख रुपए, उप विजेता टीम को 1 लाख रुपए और जो तृतीय स्थान पर रहेंगे उनको 50,000 रुपए नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि गोरखपुर में इतनी बड़ी कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के माध्यम से भी मैं अनुरोध करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग आए और इस कबड्डी खेल को देखें, जिससे कि पूर्वांचल में जो प्रतिभाएं हैं और जो खेल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, प्रतिभाग करें और भविष्य में हमारी गोरखपुर की टीम, उत्तर प्रदेश की टीम और अच्छा करें। इसमें सभी जो 12 टीमें हैं इसमें सीनियर ग्रुप है, तो नौकरी पेशे वाले जो लोग हैं इसमें सब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि और फिर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल नियुक्त किए हैं, ऑब्जर्वर किए हैं, सब एकदम इंटरनेशनल पैटर्न के आधार पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।